हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो इस वक्त मेरा प्लान है कि संदीप महेश्वरी, जो कि ऑलरेडी बहुत ही फेमस है, यूट्यूबर्स में से मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सो उनका एक वीडियोस पर रिएक्शन देते हैं, जिसमें आज कपिल शर्मा आए हुए हैं उनके शो में। सो चलिए सीधे चलते हैं और उस वीडियो को हम लोग एंजॉय करते हैं। कपिल शर्मा, सभी जानते हैं कि कॉमेडी किंग है, हिंदुस्तान में सबसे बड़े कॉमेडियन है इस टाइम पर। उनकी एक मूवी आने वाली है श्रीगाटो ऐसे करके है, सो आई थिंक उसके प्रमोशन के लिए भी आए होंगे। और संदीप महेश्वरी वैसे कोई ना कोई को बुलाते ही रहते हैं अपने उसमें, कोई बड़े सेलेब को। सो चलिए चलते हैं और उस वीडियो को हम साथ में एंजॉय करते हैं, उस पर रिएक्शन देते हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली कपिल शर्मा। थैंक यू। इतने इतने प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, क्या एनर्जी आप सबकी। वाह, मैं तो सोचा था आप मेरे शो पे आएंगे कभी। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। एक ही बात है। हाँ। अच्छा, इससे पहले कि ऑडियंस आपसे इंटरेक्ट करे, ऑडियंस आपसे क्वेश्चंस पूछे, मेरे माइंड में एक सीरियस क्वेश्चन है। जी, आज से 10 साल पहले आपने अपने करियर की शुरुआत करी थी। मैंने देखा 2013 में कॉमेडी नाइट विद कपिल के नाम से आपका शो आया था। आज पूरे 10 साल हो गए हैं। जी सर। तो तब क्या आपने सोचा था कि एक दिन आपको संदीप महेश्वरी शो में आने का मौका मिलेगा? मैं सर आपके वीडियोस देखता रहता हूँ। बहुत अच्छा बोलते हैं आप और बहुत बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैंने 3 महीने के लिए अपना शो बनाया था, पता नहीं चला कब 10 साल हो गए। लोगों का प्यार है और आप सबकी, लोग बहुत प्यार करते हैं सर आपको। चलिए Q&A सेशन शुरू करते हैं। सर आपसे एक्चुअली एक रिक्वेस्ट है कि आप मोटिवेशनल मंच पे आए हैं, तो कॉमेडी के वे में थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं। ये संदीप जी से बेहतर कौन करता है? मैंने इतने सारे वीडियोस देखे हैं कि आपको इतनी मोटिवेशनल बातें करते हैं आपके साथ और बीच बीच में आपको हंसाते रहते हैं, तो इसीलिए शायद इनका शो इतना पॉपुलर भी है। हेलो कपिल सर। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू ब्रदर। मैं आपके साथ 2 लाइन गाना चाहता हूँ। मैं सीरियसली बोलूँ, आपको देख के मुझे कोई गाना नहीं याद आ रहा। सर मेरे को आ रहा है सर आपको देख के गाना याद। प्लीज आप शुरू करिए। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। वाह, बड़े एनर्जी यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बोलती हूँ। भगवान उसका भला करे जिससे आपकी शादी होगी। हैप्पी विमेंस डे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरे को ये पूछना है सर, गुड लिसनर कैसे बन सकती हूँ मैं? चुप रह के। मेरा एक क्वेश्चन था कि आजकल जैसे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बढ़ रहे हैं, तो कुछ ही टाइम में उनका कंटेंट की कमी हो जाती है, तो आप इतने साल से रेगुलरली कर रहे हो, तो आप कैसे अपने आपको रेलेवेंट रख रहे हैं और हम सबके लिए, मतलब अभी भी इतना एंटरटेन कर रहे हैं, और कैसे रहता? मुझे ऐसा लगता है आज से जब 15 साल 16 साल पहले जब नेशनल टीवी पे काम, हिंदी में काम शुरू किया था, तो मेरे खुद के दोस्त बोलते थे कॉमेडी बड़ी हो चुकी है, अब नहीं होगी। मैं कहा ऐसे तो सांस भी बड़े ले चुका है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक दुनिया है, जब तक हालात हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में घटता है। आप न्यूज़ चैनल लगा के देख लो, हर जगह आपको कोई ना कोई नई चीज़ें मिलती हैं, तो जब तक ये सब होता रहेगा, ह्यूमर भी आता रहेगा। हाँ मेहनत लगती है, पर हाँ जैसे ये जो आपकी एनर्जी देखी, जो आप लोगों का प्यार देखा, तो ये हमें मोटिवेट करता है और मेहनत करने के लिए।
मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ, क्या आपने जो सोचा था जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ तक पहुँच जाऊँगा तो मैं ये कर सकता हूँ, ऐसा होगा वैसा होगा, क्या आज वैसा हो रहा है? मुझे लगता है बिल्कुल वैसा हुआ है और शायद उससे कहीं ज़्यादा हुआ है। तो मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ, मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जितना सोच के आए थे उससे कहीं ज़्यादा मिला है। पर हाँ, वो मेहनत करते रहना चाहिए आपको क्योंकि उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो आज भी मैं अपने शो के लिए उतनी ही मेहनत करता हूँ, आज भी मैं अपनी टीम के साथ बैठता हूँ। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो मैंने सोचा था शायद उससे ज़्यादा ही हो रहा है। देखो, बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी भी काम को शुरू करते हैं ना, तब हमने ऐसा नहीं सोचा होता कि इतने टाइम बाद ऐसा होने वाला है। आप अगर इन्हीं का एग्जांपल देखा जाए, जब आपने शुरू किया था तब आई एम 100% श्योर आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन मेरा शो होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा कुछ कभी नहीं सोचा था। नहीं, मुझे था कि इसमें देख तो एपिसोड में भी आ गया ना मैं, तो अपने लाइव शोज लगने शुरू हो जाएंगे और बस मजा करेंगे। फिर उसके उस सीरीज के विनर हो गए, फिर उसके बाद दूसरे शोज ऑफर होने लग गए और उसके बाद फिर लगा कि यार एक ऐसा शो बनाते हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स हों ये, और वाकई इंसान कभी नहीं सोचता। और फिर उसके बाद में इनका शो हो गया और इतना शो भी अच्छा खासा चलने लगा, करने लगा, उसके बाद में मूवीज में आ गए। अब अभी इनकी एक और एक मूवी आने वाली है, प्रोड्यूसर बन गए, फ्लॉप हुए, खतरनाक, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। और अभी भी आपकी एक मूवी आने वाली है नेक्स्ट, अभी भी देखो, अभी जो मूवी आ रही है सीरियस मूवी है, मतलब सीरियस इन द सेंस कि मैं ऑलरेडी जो टीवी पे कर रहा हूँ उससे बिल्कुल अलग गए, तो लोग उसमें भी बड़ा हैरान, पाओ कुछ अलग आ रहा है। हालांकि जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो यू नो करीबी हैं, उनको कोई वो नहीं हुआ शौक, क्योंकि उनको पता था कि आई एम वेरी गुड एक्टर। तो बिल्कुल संदीप जी ने सही कहा, बहुत सारी चीज़ें होती जो हम लोग हमारे बियॉन्ड में हमने एक्चुअली नहीं सोची होती। इसको आप इस तरीके से देखो कि जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारी जो विजन है वो बड़ी होती है। बिल्कुल, जब अभी अगर आप अपनी बात करो तो आपकी विजन इतनी सी है, तो आपको लग रहा है कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। जब वहाँ पहुँच जाओगे तो विजन और बढ़ जाएगी। फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब विजन आपकी 360 डिग्री हो जाती है, तब आपके अंदर से आने लग जाता है कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मजा आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जो मैंने देखा कि मजा आ रहा, तो फिर जिंदगी पता नहीं चलती। 10 साल मेरे कम निकले ये वाले, जब ये शो शुरू किया मुझे जेन्युइनली नहीं पता चला, मैं शादी करना भूल गया था बीच में। फिर मेरे को किसी ने याद किया, बोला कि तुम शादी कर लो, 36 के हो गए, 40 के बाद मतलब फिर काम खराब हो जाता है। फिर मैं अगर शादी, आपने कोशिश तो बहुत करी थी अपने शो में जी, वो पत्ता सीधा पड़ा नहीं। नहीं, वो मुझे लगता था कि वो अब यही आ रही है, अगले हफ्ते हीरोइन इससे बात बन जाएगी। हाँ, वो प्रमोशन करके निकल जाती थी, फिर मिलती नहीं थी। ये बात आपको थोड़ा लेट समझ आई कि वो अपने प्रमोशन के लिए आ रही है, आप अपनी प्रमोशन करते थे, बात बनी नहीं। चलो कोई नहीं, लेकिन आई थिंक आपका भी जो रिलेशनशिप है, अगर एक बार हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाए जी, तो बहुत पुराना रिलेशन है आपका गिन्नी के साथ। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, मैं कॉलेज में पढ़ता था, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया अमृतसर से जलंधर, तो हमारे यूथ फेस्टिवल जैसे होते हैं है ना, यूनिवर्सिटी के इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, तो मैं अपने कॉलेज में पढ़ रहा था और गर्ल्स कॉलेज का अलग से कॉम्पिटिशन होता, बॉयज़ का अलग से होता था। उसके बाद जो विनर होते थे दो, फिर वो बॉयज़ और गर्ल्स का कम्बाइंड फाइनल में होता था। उस तरफ से गिन्नी फर्स्ट आ गई, बॉयज़ वाले में मैं आ गया। फिर फाइनल में जब आमने सामने हुए, वही एक दिन था जिसमें मैं जीता, उसके बाद गिन्नी जीतती आ रही है। और कंपटीशन क्या था सर? थिएटर कैटेगरी, मतलब बहुत सारी कैटेगरी। तो देखो यार, मैंने इस वीडियो को तो काफ़ी इन्जॉय किया, स्पेशली जो उन्होंने अपने करियर के बारे में बताया कि कहाँ से इनिशियली स्टार्ट हुआ और किस तरीके से यू नो व्हाट, कि आप अपने करियर को लेकर के जिस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है और वही अगर आपका प्रोफेशन बन जाए और आप अपने काम को इन्जॉय करते हो तो आपके बारे न्यारे हो जाते हैं और आपको कब सक्सेस मिल जाती है, आप कब उस चीज़ को इन्जॉय करते करते कामयाब शख्स बन जाते हो, बेसिकली वो चीज़ बताई। इवन आपका जो भी काम है उस पर फुल पैशनेट होकर के करो। सो बहरहाल, आई होप कि आप लोगों ने ये वीडियो इन्जॉय किया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।